हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों की फरमाइश पे मैं लेके आई हूँ बहुत ही इजी सा डिजाइन पैटर्न, जो कि सिर्फ एक ही फंदे पे कंप्लीट हो जाता है और एक ही रो का ये डिजाइन पैटर्न है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इस डिजाइन पैटर्न को तैयार करना है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, ये देखने में अच्छा लगता है और इसे आप चाहे से जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बेबी स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये पैटर्न हमें तैयार करना है। इस तरह से ये बबल इसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 फंदे ले लिए हैं और ये है रो नंबर 1। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले आप इस तरीके से गैप करके रख लीजिएगा ताकि पैटर्न अच्छे से नजर आए। मैंने यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, इस तरह से ये बुन लिया है। तो आपने भी पहली 1-2 रोज में इस तरह से बुन लेना है, तब मतलब कि अच्छे से इस तरह से दिखाई देगा। ये देख सकते हो आप कि इस तरीके से बीच में ये 2 फंदे उल्टे 1 सीधा, 2 उल्टे 1 सीधा, इस तरह से ये गैपिंग कर ली है। फिर इसके बाद अब हमने क्या करना है, पहले फंदे को मैंने ये ऐसे ही उतार लिया है, तो 2 फंदे मेरे उल्टे हैं, 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 फंदा सीधा बना लेना है, फिर 2 फंदे उल्टे। अब ये जो सीधे वाला फंदा है इसके ऊपर हमें बबल बनाना होता है। बबल बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि 1 फंदे का हमें 5 फंदा बनाना होता है। पहले हम इसको आगे से बुनेंगे, फिर पीछे से बुनेंगे, फिर दोबारा से आगे से बुनेंगे, फिर पीछे से बुनेंगे, 4 फंदे बन गए और एक और इस तरीके से बुनेंगे, 5 फंदे हमारे बन गए। अब इसे हमने इस तरीके से दूसरी वाली इस सिलाई पे ट्रांसफर कर लेना है, जो हमने 1 का 5 बनाया। अब इन 5 फंदों का हम 1 फंदा बना लेंगे इस तरीके से, इन 5ों को एक साथ बुन लेंगे। अब और बुन करके फंदे का हमने 5 बनाया, फिर 5 का फिर से 1 बना दिया, तो हमारा ये बबल बन गया। आप इस तरह से कस के इसको अच्छे से बना सकते हो। फिर उसके बाद हमने फिर से धागे को आगे की तरफ करके ये 2 फंदे उल्टे बना लिए, 1 फंदा सीधा और 2 फंदे फिर से उल्टे होंगे। फिर जब ये 1 फंदा हम ऐसे ही सीधे ले रहे हैं, इसके ऊपर बबल नहीं बना रहे हैं, और फिर अब ये जो सीधे वाला फंदा है इसके ऊपर फिर से हमने बबल बनाना है। तो 1 फंदे का 5 फंदा इस तरीके से आप बना लीजिए। जब आप इसका 5 बना रहे हैं तो थोड़ा सा लूज ही रखिएगा। यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया और अब इन 5 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे इस तरीके से। अब ये 5 फंदों का 1 फंदा बन गया। फिर दोबारा से 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 उल्टे, और अब ये मेरे फंदे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मैं यहीं तक ये बना रही हूँ। अब ये फर्स्ट रो में हमने इस तरीके से बबल बना लेने के बाद सेकंड रो एज इट इज जैसी है, मतलब उल्टे फंदों को उल्टा। यहाँ से देख सकते हो आप कि एक आधी रो बनाने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा। अदरवाइज़ जो आपने पिछली रो में उल्टे बुने थे उन्हें हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है, और जो पिछली रो में हमने सीधे बुने थे उनको यहाँ पे उल्टा बना लेना है। तो उल्टा 1 ही आता है और 2 सीधे 1 उल्टा, 2 सीधे 1 उल्टा, बस इसी तरह से ये वाली रो में आपका बनेगा। इसके बाद हमें फिर से जो थर्ड रो होगी उसको जैसे है 2 उल्टे 1 सीधा, 2 उल्टे 1 सीधा। अब यहाँ पे हमें कोई बबल नहीं बनाना है। इसके जो नेक्स्ट रो आएगी फोर्थ रो, उस पर भी जो उल्टी रो है मतलब कि जैसी है वैसे ही बुननी है, उसमें हम 2 सीधे और 1 उल्टा बुन रहे हैं। और फिर से दोबारा से जब आपकी 5th रो आएगी, 5th और 6th भी बुन लेने के बाद 7th रो पे ये दोबारा से आपको ये बबल बनाने हैं। तो इस तरह से बीच में आपको गैपिंग के बाद मतलब 4 रोज बुन लेने के बाद ये दोबारा से ये बबल डालना होगा। इस तरह से ये आपका चलता जाएगा, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अभी क्योंकि ये मैंने बहुत थोड़ा सा ही बना के आपको दिखाया है तो आपको शायद इतना मतलब ना भी पता चले, लेकिन जब आप इसको बनाओगे तो ये बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे पैटर्न्स लेके आती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।